हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का चोखा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें मैंने खड़ा जीरा डाल दिया है। इसे थोड़ा चटकने देंगे। वैसे तो ये बिहार और यूपी की रेसिपी है और आज हम इसे बैचलर स्टाइल में बनाने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में। यहाँ पे जीरा चटक चुका है, तो अब यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल देंगे। इसे थोड़ा गर्म होने देंगे हम। इसके साथ ही हम 4 से 5 लहसुन की कलियां लेंगे, उसे चॉप करके रख लेंगे। इसे तेल में डाल देंगे फिर, और साथ ही मैंने यहाँ पे 3 आलू बॉईल करके रख लिए हैं, 1 प्याज को चॉप करके रख लिया, 2 हरी मिर्चें भी चॉप कर ली हैं और कुछ धनिया पत्ती रखी है। यहाँ पर अब मैं चॉप की हुई मिर्ची भी डाल दूंगी फ्राइंग पैन में। इसके साथ ही हम चॉप किए हुए अनियन भी डाल देंगे। इसे हम लाइट फ्राई कर लेंगे अनियन को। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम ऑयल में बनाया है। यहाँ पे हमारा अनियन फ्राई हो चुका है, तो हम आलू मैश कर लेंगे। यहाँ पे मेरे आलू मैश हो चुके हैं। यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और मैश किए हुए पोटैटो भी डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देंगे। हमारा आलू का चोखा लगभग बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट में बनाया ये।